चलिए, तो लास्ट में आपने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, दो बातें आपको बताई थी। इसके बाद थर्ड जो हेडिंग आपका है वो है एरिया ऑफ पॉलीगॉन, और उसमें भी अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहली बात तो अब यह है कि आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो आपको ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। तो हम यह भी राइट, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो इफ ए एक्स वन कॉमा वाई वन, बी एक्स टू कॉमा वाई टू एंड सी एक्स थ्री वाई थ्री आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन बाय। तब देखिए, एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है कि व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट एरिया, जब आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दिए होंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। ये आपने 10th में भी था आपको फॉर्मूला। तो एरिया को हम डेल्टा से डिनोट करेंगे एंड दी फॉर्मूला इज हाफ मॉड, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दिस इज दी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बस इसमें ये याद रखना है कि आपका ये जो साइक्लिक ऑर्डर है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब है वन के बाद टू के बाद थ्री, टू आएगा तो टू से थ्री फिर वन, और थ्री से शुरू करोगे तो थ्री वन टू। ये साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का जो है कि वो ये है कि जैसे आपके पास ये नंबर है वन टू और थ्री, तो आप यदि वन से शुरू करोगे तो वन के बाद टू आना चाहिए, टू के बाद थ्री आना चाहिए और फिर थ्री के बाद वन आना चाहिए। जैसे मैंने वन से शुरू किया तो वन टू फिर थ्री, टू से शुरू किया तो टू थ्री फिर वन, टू थ्री फिर वन, और यदि थ्री से शुरू किया तो थ्री वन और टू। ये साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें से किसी एक का साइन चेंज करोगे तो एरिया जो है आपका गलत आएगा, एग्जैक्ट एरिया नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो या तो आप ये ले सकते हो, या फिर दूसरी बात ये है कि आप यदि वन टू थ्री मैंने अपनी जगह पे ही रखा हुआ है, ये वन है ये टू है और ये थ्री है, और आप यदि इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेना चाहते तो आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं इस तरीके। क्लॉकवाइज का मतलब यह है कि आप इन दोनों का साइन यदि चेंज कर दिए, लिखना तो वाई टू माइनस वाई थ्री चाहिए लेकिन आपने वाई थ्री माइनस वाई टू लिखा, तब आप इसको भी वाई वन माइनस वाई टू लिखो और इसको भी वाई टू माइनस वाई वन लिखो। तो या तो सब इस डायरेक्शन में लिखे जाएंगे और नहीं तो सब इस डायरेक्शन में लिखी जाएगी, तब आपका एरिया एग्जैक्ट मिलेगा, अदरवाइज आपका एरिया जो है वो हमेशा रॉन्ग आएगा। और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने मॉड लगा रखा है। तो दिस इज दी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं एक और फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का बता रहा हूँ जो थोड़ा सा इजी गिरेगा इससे। फिलहाल यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पेज। अब अपन एरिया को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और आपको तरीका बताता हूं, आप उससे याद रखें, उससे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो देखिए, दूसरी बात यह है
कि व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट एरिया, तो वो तो फॉर्मूला आप यूज कर ही सकते हो, या उसकी जगह पर दूसरा जो फॉर्मूला है एरिया कैलकुलेट करने का, अपन एरिया को ऐसे भी याद रख सकते हैं। आप पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू, तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट एक्स थ्री वाई थ्री, और फर्स्ट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई। ये है फॉर्मूला, और इसको यूज कैसे करना है, तो इसको यूज ऐसे करना है, एक्स वन वाई टू में मल्टीप्लाई होगा, फिर वाई वन एक्स टू में मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस साइन एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई टू एक्स थ्री, फिर प्लस साइन एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई थ्री एक्स वन। कहने का मतलब कि जब आप इसको ओपन करोगे, इसी का जो मतलब है, डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू, फिर प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई टू एक्स थ्री, फिर प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई थ्री। आपने जो इसके पहले फॉर्मूला लिखा था वो और ये एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। आप यदि उसके ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही आएगा। तो आप इसको भी एरिया, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसमें वो साइक्लिक ऑर्डर का जो बात है उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस इसमें एक बात याद रखनी है कि जहां से शुरू करोगे वहीं पे खत्म होगा, और ये आपको यहां पर हेल्प करेगा कि आपको यदि ट्राइंगल के बजाय क्वाड्रिलेटरल दिया है, चार वर्टेक्स हैं, तो फिर एरिया क्या होगा, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एक्स फोर वाई फोर एक्स वन वाई वन, जहां से शुरू वहीं पे खत्म। यदि पेंटागन दिया है, पांच वर्टेक्स दिए हैं, तो फिर आपको पेंटागन का एरिया निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एक्स फोर वाई फोर एक्स फाइव वाई फाइव और एक्स वन वाई वन पे खत्म करेंगे। जहां से शुरू वहीं पे खत्म करिए, तो आप इससे किसी भी पॉलीगॉन का एरिया लिख सकते हैं। ये आपको हेल्पफुल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बजाय यूजिंग इसके पहले वाला फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला यूज करिए फॉर कैलकुलेटिंग एरिया। मतलब मैंने जो आपको बोला कि आप यदि अब इसकी हेल्प से एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकालना चाहते हो जिसके एन वर्टेक्स हैं, तो उसके लिए एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू, शुरुआत करेंगे किससे, एक्स वन वाई वन से, फिर आएगा एक्स टू वाई टू दूसरा वर्टेक्स, फिर आएगा तीसरा वर्टेक्स एक्स थ्री वाई थ्री, और ऐसा आता चला जाएगा। कितने वर्टेक्स हैं टोटल, एन वर्टेक्स हैं, तो यहाँ तक आएगा आपका एक्स एन वाई एन, और फिर खत्म किस पे हो जाएगा, एक्स वन वाई वन। ये एन वर्टेक्स हैं, तो मैंने एन डाल दिए। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो कैलकुलेट ये ऐसा ही होगा, पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर प्लस साइन x2 y3 minus y2 x3, फिर प्लस साइन, और लास्ट में क्या आएगा, xn। मतलब यदि आपको n साइडेड किसी पॉलीगॉन का एरिया लिखना है, तो वो एरिया के लिए फॉर्मूला आपका क्या हो गया, और डेल्टा इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू मॉड x1 y2 minus y1 x2 प्लस x2 y3 minus y2 x3 plus or up to xn y1 minus yn x1। This is the formula for calculating area of triangle। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इससे पॉलीगॉन का, आप इससे ट्राइंगल का, किसी का भी एरिया निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। क्वेश्चन में आपको इसको मैं यूटिलाइज करके बता रहा हूं।
फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे. फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ थर्ड पेज, ये दूसरा था. अब एक क्वेश्चन में आप इसका यूटिलाइजेशन देख लें. क्वेश्चन ये हमने ले लिया, मैंने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ले लिए. सपोज ए 6.3 है हमारा, बी का कोऑर्डिनेट में ले लेता हूं -3.5 और सी का कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं 4.-2. आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना होगा, ये क्वेश्चन है. तो दिस इज आवर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट कि हाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सो देखिए ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, वही मैं यूज कर रहा हूं सॉल्यूशन के लिए. तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ. अब अपना x1 y1 कितना है, 6 3, तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा. फिर x2 y2 कितना है, -3 5, फिर 4, तीसरा वर्टेक्स -2, और फिर पहला वर्टेक्स कितना है, जहां से शुरू वहां पे खत्म. इस तरीके से यूज करेंगे. अब मल्टीप्लाई करिए, तो क्या मल्टीप्लाई होगा, 6 5 से मल्टीप्लाई होगा. तो 6 5 जा यहाँ पर कितना आएगा, 30. 3 3 जा 9, माइनस का 9 आएगा ये, और ऑलरेडी माइनस है फॉर्मूला में. इन दोनों का प्रोडक्ट -9 आता है, और ये माइनस ऑलरेडी है, तो -9 × -9 हो जाएगा. फिर प्लस साइन, -3 × -2 कितना आएगा, +6. फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 20. फिर प्लस साइन, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 12, और इन दोनों का प्रोडक्ट -12 आता है, ऑलरेडी एक माइनस है, तो कितना आ जाएगा, +12. नाउ व्हेन यू ओपन दी ब्रैकेट, तो देखिए फाइनल अपना जो एरिया बन गया इस ट्राइंगल का, सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2, ये हो गया 39, ये हो गया माइनस का 14, और ये हो गया प्लस का 24, ये प्लस साइन है, तो ये प्लस 10 आएगा. तो देयरफॉर एरिया आ जाएगा 49/2 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर. तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्मूला. आप वर्टेक्स सीधे सीधे दिए, फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, और फिर फर्स्ट वर्टेक्स, जहां से शुरू वहीं पे खत्म. टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये है एरिया. कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लें. चलिए वेरी गुड. तो आपने अभी तक 3 हेडिंग इसमें डिस्कस करी, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर सेक्शन फॉर्मूला, और अब ये एरिया. और अब इसमें अपन चौथा पॉइंट ऐड कर रहे हैं, और फोर्थ पॉइंट है हमारा, यहां पर हम डिस्कस करेंगे सम स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल. किसी ट्राइंगल से रिलेटेड टोटल 5 स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, जो आप पहले से भी सुनते आ रहे हो, जिनको अपन बोलते हैं सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड एक्स सेंटर. अब अपन इस पर डिस्कशन करेंगे एक एक करके, ठीक है. सो सबसे पहला स्पेशल पॉइंट है अपना सेंट्रोइड. तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, 5 स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल.
फाइव स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल। और इन पांच पॉइंटों में सबसे पहला पॉइंट है हमारा सेंट्रोइड। सेंट्रोइड तो लिखिए, इसमें सेंट्रोइड क्या होता है? देखिए, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल medians of triangle. And is denoted by capital G. Centroid किसी triangle का सारे medians का point of intersection होता है, जहां पर triangle के सारे median आके मिलेंगे वो आपका होगा सेंट्रोइड। मतलब जैसे ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, मीडियन क्या होता है? किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो मीडियन बनेगा। ये पहला मीडियन है, ये मिड पॉइंट हमने मान लिया इसका, ये दूसरा मीडियन है और ये तीसरा मीडियन। तीनों मीडियन जहां पर मिलेगा वो है सेंट्रोइड जी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड डिनोटेड बाय कैपिटल जी। अब आप सभी ये जानते हो कि यदि मैं इफ AX1Y1, BX2Y2 and CX3Y3 are vertices of triangle ABC, then coordinate of सेंट्रोइड इज क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, तो ये फॉर्मूला अपन जानते हैं, यदि मेरे को तीनों वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट पता है तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तीनों वर्टिक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे बाई थ्री और तीनों वर्टिक्स के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके बाई थ्री। This is the formula for calculating centroid. तीनों vertex का x coordinate add करके तीन से divide कर दो और तीनों vertex के y coordinate को add करके तीन से divide कर दो। ये है formula. जब भी आपको centroid calculate करने आएगा, we use this formula. अब इसमें देखिए कि ये formula बना कैसे होगा। तो here we verify this formula. इस फॉर्मूला का वेरिफिकेशन आप समझें। तो देखिए, वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहली बात तो जो है वो ये है कि आपका ये जो डी दिख रहा है आपको, डी मिड पॉइंट है। डी किसका मिड पॉइंट है? डी बी और सी का मिड पॉइंट है। ये लेंथ बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तो यहां पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे।
बी और सी का कोऑर्डिनेट पता है, तो आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से, बी और सी का मिड पॉइंट क्या होता है, एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू और वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू, ये आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये एक बात हो गई। अब आप देखिए, आप ये जानते हो कि सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये आप बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1, मतलब ये रेशियो 2:1 का रेशियो होगा। सेंट्रोइड हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, मैंने डी का कोऑर्डिनेट भी अभी निकाल लिया, ये हमारा डी है और इसका कोऑर्डिनेट ये लिखा हुआ है, और साथ में वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड जो कि इस एडी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जो सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा वो लगा दीजिए। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होते, टू इधर मल्टीप्लाई होगा और वन इधर मल्टीप्लाई होगा। सो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड क्या बनेगा, जी का कोऑर्डिनेट, टू किधर मल्टीप्लाई होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, टू डी के कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई होता है। तो टू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये टू इंटू एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन टू प्लस वन किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स वन से, तो ये आ गया एक्स वन, और डिवाइडेड बाय क्या आता है, टू प्लस वन। ये सेक्शन फॉर्मूला है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, ये जो टू है ये इसके वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, तो वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन टू प्लस y1, और नीचे आएगा 2 प्लस 1। तो फाइनली दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, ये 2 2 कट जाता है तो कितना आता है ऊपर, x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, और ऐसे ये 2 कट जाएगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। तो दिस इज द फॉर्मूला वेरिफिकेशन ऑफ सेंट्रोइड। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। तो पांच स्पेशल पॉइंट में दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट सेंट्रोइड। एक बात आपने याद रखनी है, बस सेंट्रोइड निकालने के लिए सम ऑफ ऑल एक्स कोऑर्डिनेट बाय 3 और सम ऑफ ऑल वाई कोऑर्डिनेट बाय 3, वी गेट द सेंट्रोइड। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पेज। अब अपन यहां पर सेंट्रोइड की कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, पेज नंबर 5। और ये सेंट्रोइड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, आप इनको याद रखें। सबसे पहला तो आपने अभी एक यूज कर ही लिया, सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1। सबसे पहला पॉइंट तो वही लिख लें, पहली प्रॉपर्टी सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इंटरनली in the ratio 2:1, पहला पॉइंट है, और इसका यूटिलाइजेशन भी अपन ने अभी फॉर्मूला वेरिफिकेशन में देखा था। दूसरी बात,
ये है कि आप जब ये ट्राइंगल लिए थे एबीसी और इनका मिड पॉइंट आपने लिया डी ई और एफ, ये मिड पॉइंट्स हैं, डी ई एफ आर दी मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो जब आप डी ई एफ को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक और ट्राइंगल मिलेगा। अब इस ट्राइंगल की खासियत यह है कि सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ और सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये बिल्कुल एक ही पॉइंट पर बनते हैं। दोनों का सेंट्रोइड बिल्कुल सेम होगा, एक ही पॉइंट पर बनेगा। डी ई एफ का जो सेंट्रोइड होगा वही ए बी सी का सेंट्रोइड होगा। मतलब मेरे को कभी साइड्स के मिड पॉइंट दिए हैं और साइड के मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल डी ई एफ बन रहा है उसका मेरे को यदि सेंट्रोइड पूछा है तो मैं यदि ए बी सी का सेंट्रोइड निकाल दूं तो वही डी ई एफ का भी सेंट्रोइड होगा। आप किसी भी एग्जाम्पल के लिए इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी वेरीफाई करके बताता हूँ इसको। अगली जो बात इसमें है वो ये है कि थर्ड पॉइंट जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इट इज फोर टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। दोनों का एरिया बिल्कुल बराबर है, मतलब ये डी ई एफ की एरिया का आप निकाल के उसको फोर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको होल ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, क्योंकि ये चार पार्ट बने हैं और चारों एरिया में बिल्कुल बराबर होते हैं। मतलब डी ई एफ का जो एरिया है वो ए बी सी के एरिया का 1/4 होता है। तो इसलिए आप डी ई एफ का एरिया निकाल के चार से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट एरिया ऑफ ए बी सी। तो ये आपका तीसरा और चौथा और लास्ट पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि मैं यदि सेंट्रोइड को तीनों वर्टिक्स से ज्वाइन कर दूं, सेंट्रोइड यहाँ बीच में कहीं बनता है, और यदि आप इस सेंट्रोइड को तीनों वर्टिक्स से ज्वाइन कर दें तो आप देखो आपको तीन ट्राइंगल मिलते हैं और ये तीन ट्राइंगल का जो एरिया है वो बिल्कुल सेम आता है। मतलब चौथी और लास्ट बात यह है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी जी सी और इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी जी ए। तीनों बराबर। तो ये चार खासियतें हैं, ये आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगी बहुत। आप इनको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन प्रॉपर्टीज को आप कोई भी एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हैं, बड़े इजीली ये वेरीफाई हो जाएंगे। अब देखिए अगला पेज। मैं इसमें से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी आपको इसमें वेरीफाई कर सकता हूँ, उसी एग्जांपल से बाकी भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन अपन इस पे कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन आप कैसे करोगे। क्वेश्चन आपको ये दिया है कि इफ डी 2.3 ई 1.5 एंड एफ
सिक्स कॉमा टू आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स बीसी एसी एंड एबी ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऑल्सो फाइंड इट्स सेंट्रॉइड। ये क्वेश्चन है मेरे को साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं और साइड के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की हेल्प से, मतलब यदि आप ये देखें तो ये डायग्राम में आपको क्या क्या दिया है, ये दिया है डी किसका मिड पॉइंट है, डी साइड बीसी का मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। डी का कोऑर्डिनेट हमको कितना दिया है, टू कॉमा थ्री। ई का कोऑर्डिनेट कितना दिया है हमको, वन कॉमा फाइव। और एफ का कोऑर्डिनेट हमको कितना दिया है, सिक्स कॉमा। हमको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट की हेल्प से वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, ऑल्सो वी हैव टू फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। तो आप सेंट्रॉइड तो बता सकते हो, अभी जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि जो डी ई एफ का सेंट्रॉइड आता है वही ए बी सी का भी सेंट्रॉइड आएगा, ये तो पक्की बात है। मैं यदि डी ई एफ का सेंट्रॉइड निकालो तो सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके तीन से डिवाइड करोगे तो छ सात और नौ, नौ बटा तीन नाइन बाई थ्री थ्री आता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट थ्री आएगा और वाई कोऑर्डिनेट टेन बाई थ्री आएगा। तो थ्री कॉमा टेन बाई थ्री हमारा सेंट्रॉइड होगा ए बी सी का, वही डी ई एफ का भी सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड आप इजीली बता सकते हो, बट जब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हमको ट्राइंगल के वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तब आपको ये प्रोसीजर यूज करने होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। तो बड़ा ध्यान से आप समझिएगा और फिर अपन उसमें वेरीफाई कर लेंगे कि वंस वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी तो आप उसका सेंट्रॉइड निकाल के देखिएगा, वो डी एफ के सेंट्रॉइड के बराबर है। मैं सारी बातें आपको करके बता रहा हूं, तो देखें अभी सॉल्यूशन में। तो वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी, अपन को ए बी सी का कोऑर्डिनेट तो पता नहीं, तो अपन मान लेते हैं, ये अपन ने मान लिया, लेट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन वाई वन, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स टू वाई टू, और सी का कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, एक्स थ्री वाई थ्री, तीनों के कोऑर्डिनेट मान लिए। अब हमको एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री का वैल्यू चाहिए। वंस वी गेट दी वैल्यूज ऑफ एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री, वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस। तो अब आप देखो कैसे करते हैं। अब आप ये जानते हो कि B और C का मिड पॉइंट 2 कॉमा 3 है और आपको B और C का मिड पॉइंट 2 कॉमा 3 दिया है और यहां से BC का मिड पॉइंट कितना आएगा, तो अपन जानते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो नाउ हमारे हिसाब से BC का मिड पॉइंट आएगा X2 प्लस X3 बाई 2 और Y2 प्लस Y3 बाई 2, बट हमको ये दिया है क्वेश्चन में कितना, टू कॉमा थ्री। तो कंपैरिजन करेंगे तो एक्स टू प्लस एक्स थ्री का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, टू के, मतलब एक्स टू प्लस एक्स थ्री की वैल्यू कितनी आएगी, फोर। और इसको जब वाई कोऑर्डिनेट से इक्वेट करेंगे, मतलब वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन टू बराबर थ्री, तो ये टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिलेगा वाई टू प्लस वाई थ्री बराबर सिक्स। यहां तक आपको कोई डाउट है तो बताइए। मतलब मैंने BC का मिड पॉइंट निकाला
तो ये आया, बट बीसी का मिड पॉइंट हमको दिया था 2, 3, ये दोनों एक ही कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्स वाला एक्स से इक्वेट कर दिया, वाई वाला वाई से इक्वेट कर दिया, तो वी हैव टू रिलेशंस। सिमिलरली जब आप ए और सी का मिड पॉइंट से कंपेयर करोगे तो ए सी का मिड पॉइंट कितना आएगा वो देखो, ए सी का मिड पॉइंट आएगा एक्स वन प्लस एक्स थ्री अपॉन टू, वो कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, तो एक्स वन प्लस एक्स थ्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और वाई वन प्लस वाई थ्री का वैल्यू कितना आएगा उसका डबल 10, और अब ए बी का मिड पॉइंट निकालोगे तो ए बी का मिड पॉइंट आएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू बराबर 6, तो वो जो बाई का 2 है वो 6 में मल्टीप्लाई होके 12, और ऐसे ही y1 प्लस y2 बराबर 2, 2 जा कितना बनाएगा 4। तो ये तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने बातें बना ली, अब आपके कोऑर्डिनेट देखो आ गए, अब कुछ नहीं बचा कोऑर्डिनेट में। अब आप मेरे को एक चीज बताएं, जब अपन इन तीनों को ऐड करेंगे तो x1 दो बार है, x2 दो बार है, x3 दो बार है, तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, इनका सम कितना आएगा 18, और ऐसे यहां पर जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू, इन सब का सम जो आता है वो 20 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू कितना आ गया 9, और y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू कितना आ गया 10। और अब देखो x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 4, तो जब मैं x2 प्लस x3 की जगह 4 डालूंगा और 4 यहां ट्रांसफर करूंगा तो यहां से x1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 9 माइनस 4 मतलब 5, जब x1 प्लस x3 की वैल्यू इसका वैल्यू 2 डालूंगा 2 ट्रांसफर करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी 7, और x1 प्लस x2 का वैल्यू 12 है, तो जब मैं इधर 12 डालूंगा 12 ट्रांसफर करूंगा तो कितना आएगा माइनस 3। सिमिलरली y2 प्लस y3 का वैल्यू 6 यहां डाल के ट्रांसफर करूंगा तो y1 का वैल्यू कितना आएगा 4, y2 का वैल्यू कितना आएगा 10 ट्रांसफर करूंगा तो 0, और y3 का वैल्यू कितना आएगा जब ये वैल्यू 4 डालूंगा ट्रांसफर करूंगा तो कितना आएगा 6। तो मेरे पास ये सब आ गए तो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे अब, सो देयरफॉर वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट कितना आएगा जी x1 y1 था मतलब 5, 4, वर्टेक्स B का कोऑर्डिनेट कितना आएगा 7, 0, और वर्टेक्स C का कोऑर्डिनेट कितना आएगा -3, 6, ये आएंगे हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। और अब आप देख लो इसका सेंट्रोइड निकालो, यदि आप ABC का सेंट्रोइड निकालो तो 3 आएगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 10/3 आएगा, आप करके देख लो। DEF का भी 3, 10/3 आता है और ABC का 3, 10/3 आता है, दोनों का सेम आता है, इसको नोट कर लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। ले लिया स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो पूछ लें।
चलिए, तो ये है हमारा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अब अपना सेकंड इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो है इन सेंटर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इन सेंटर। नेक्स्ट हेडिंग है इन सेंटर। देखिए इन सेंटर की डेफिनेशन। इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ All interior angle bisectors of triangle. In center is the point of intersection of all interior एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। इसको अपन आई से डिनोट करेंगे। इन सेंटर जो है किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल की इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। मतलब आप ये ट्राइंगल बनाए और ये ट्राइंगल एबीसी में तीनों एंगल का बाइसेक्टर लेना है, इंटरनल बाइसेक्टर। ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी, इन तीनों के बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे, ये वाला बाइसेक्टर एंगल ए का, ये एंगल बी का बाइसेक्टर और ये एंगल सी का बाइसेक्टर, ये तीनों जहां पर मिलेंगे इसको अपन आई बोलेंगे। ये है इन सेंटर। अब ये इन सेंटर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखना। फर्स्ट थिंग तो ये है नोट में, यदि मैं इसको एक्सटेंड करूं पॉइंट डी तक, तो ये जो इन सेंटर है ये अपोजिट साइड को साइड कंटेनिंग रेशियो में डिवाइड करता है। आप ये जानते हो एंगल सी के अपोजिट साइड लेंथ को अपन स्मॉल सी से डिनोट करते हैं और एंगल बी के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो इन साइड्स में जो रेशियो होगा वही रेशियो इनमें होता है। तो ये रेशियो कितना आएगा, सी इज टू। मतलब मैंने जो लिखा है वो ये है कि बी डी इज टू डी सी जो होगा, बी डी इज टू डी सी, इट इज सी इज टू बी। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो इन सेंटर है वो इन सेंटर इस बाइसेक्टर को बी प्लस सी इज टू ए के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ये रेशियो होता है बी प्लस सी इज टू ए, वो मैं साइड में लिख रहा हूं। मतलब ए आई इज टू आई डी जो होगा वो होगा बी प्लस सी इज टू ए। ये दो बातें, और इन दो बातों की हेल्प से देयरफॉर इफ ए एक्स वन कॉमा वाई वन, बी एक्स टू कॉमा वाई टू एंड सी एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन कोऑर्डिनेट ऑफ
इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज, तब ये इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है उसके लिए फॉर्मूला ये आता है। जैसे आपने सेंट्रोइड के लिए पढ़ा था एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, ऐसे इन सेंटर के लिए फॉर्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और वाई कोऑर्डिनेट आता है ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और आप देख रहे हो यदि मैं इसमें ए बी और सी तीनों को बराबर बराबर ले लूं, मतलब ए बी सी की जगह पर वन 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 डाल दूं, मतलब ट्राइंगल को मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लूं, तो ये बन जाएगा फिर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री और वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। कहने का मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रोइड जिस पॉइंट पे बनता है उसी पॉइंट पे इन सेंटर भी बनता है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यह है इन सेंटर, इन सेंटर की कुछ प्रॉपर्टीज और इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन के थ्रू इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करोगे इन सेंटर। तो ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन आपको बताता हूँ। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज नंबर 7। सर सेकंड रिजल्ट को वेरीफाई कैसे करेंगे? नहीं, वो रिजल्ट है वो आपने याद रखना है, ठीक है। वेरिफिकेशन आपका आएगा जब मैं स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ाऊंगा। स्ट्रेट लाइन आप पहले पढ़ लो, फिर वो रिजल्ट आप वेरीफाई करोगे। फिलहाल आप रिजल्ट को ऐसे याद रखें, क्योंकि यदि मैं ए बी सी को 111 ले लेता हूँ तो ये देखो बी प्लस सी का वैल्यू 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। सेंट्रोइड में आप जानते हो रेशियो 2:1 होता है, ठीक है। बाकी आप कोई भी इन सेंटर यदि आपको पता होगा तो आप रेशियो वेरीफाई कर पाओगे। यस सर। ओके, चलिए तो हियर वी टेक वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस। क्वेश्चन ये है कि इफ A 0 0, B 2 0, and C 1 √3 are vertices of triangle ABC, then point coordinates of centroid and in center, centroid भी बताना है, in center भी बताना है। देखिए सॉल्यूशन में आप यदि इस ट्राइंगल को प्लॉट करोगे तो ओरिजिन पर दिया है एक वर्टेक्स दिया है आपको 2.0 पर, मतलब एक्स एक्सिस पर, और तीसरा वर्टेक्स आपको दिया है 1.3। तो जब आप इन तीनों को ज्वाइन कर दोगे तो आप देखोगे कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये इक्विलेटरल बनेगा, क्योंकि आप जब साइड्स के लेंथ निकालोगे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये लेंथ निकालोगे तो ये 2 आती है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आपने,
हेलो हेलो नमस्ते सर, बोलिए सर, बताइए। हाँ हाँ सर, ठीक है सर, मैं देख लूंगा। ठीक है ठीक है, वही कॉपी है ना जो मैंने को आपने दिया था व्हाट्सएप से, वही है ना? जी सर, ओके। चलिए ये टू हो गया। अब ऐसे यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये भी टू आता है, और यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो तो ये भी टू ही आता है। तो ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है। अब आप इसका सेंट्रोइड निकालो और इन सेंटर निकालो, दोनों एक ही पॉइंट पे बनेंगे। मैं बना के दिखा रहा हूं। तो सेंट्रोइड तो आप बड़ा इजीली निकाल सकते हो, वो अपन यहाँ पे लिख देते हैं। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो? तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाई थ्री और तीनों के वाई कोऑर्डिनेट का सम बाई थ्री। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो देयरफॉर जी का कोऑर्डिनेट 1.1/√3 आ जाए। अब अपन इसका इन सेंटर निकालते हैं। इन सेंटर का फॉर्मूला आपने पढ़ा कैसे होता है, कैलकुलेट इन सेंटर, ax1 + bx2 + cx3 / a + b + c और ay1 + by2 + cy3 / a + b, आपने अभी पढ़ा, वो यूज कर रहा हूं मैं यहाँ। तो नाउ वी कैलकुलेट इन सेंटर आई, कैसे मल्टीप्लाई होता है। ax1 का मतलब ये हो गया कि ये जो लेंथ 2 है इसको अपोजिट वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1 प्लस ये लेंथ को अपोजिट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 और ये लेंथ को अपोजिट वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 डिवाइडेड बाय क्या होता है, a + b + c, a + d + c, तीनों दो 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 है जो कि इक्विलैटरल है, और यही y कोऑर्डिनेट के साथ करना है। इस 2 को अपोजिट वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × √3 आएगा, प्लस ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 = 0 और ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 2 + 2 + 2, तो देयरफॉर i 6/6 और 2√3/6 and therefore i 1.1/√3 और आप देख रहे हो i और g एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं। तो ये यूटिलाइजेशन भी हो गया फॉर्मूला का, वेरीफाई भी हो गया हमारा रिजल्ट। तो दिस इज सेकंड स्पेशल पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल इन सेंटर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और आफ्टर 15 मिनट्स अपन एक क्लास और कंटिन्यू करेंगे इसमें। थोड़ा आप रेस्ट कर लो, आपका सिस्टम भी रेस्ट कर ले, ठीक है। एक अपन 45 मिनट्स का एक सेशन और लेंगे 5:15 to 6 o'clock विद द सेम आईडी पासवर्ड आप एंटर करिएगा, और अपन इसमें अगले 3 पॉइंट पढ़ेंगे फिर, एक्सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ठीक है। जरूर ज्वाइन करिएगा। ये भी संडे के लिए आने वाला है क्या? क्या बोले बेटा? ये भी संडे के लिए आने वाला है बेटा। ये संडे टेस्ट आपका पोस्टपोन हो गया, तो अब अगले संडे होगा टेस्ट, है ना? हाँ, ओके सर। ओके ओके, चलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, गुड नाइट।